मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब? माई सेल्फ रेखा भट्ट, आई एम योर हिंदी टीचर। टुडेज टॉपिक इज स्वर। हम क्या सीख रहे हैं अभी? स्वर। स्वर हम कितने सीख चुके हैं? अ से आई तक। आज हम एक नया स्वर सीखने जा रहे हैं। स्वर कौन सा स्वर है? ओ। कौन सा स्वर है? ओ। पर आपको तो पता है, नया स्वर सिखाने से पहले मैं आपको क्या करवाती हूँ? आपको वर्ड अच्छी तरह याद है। गुड। हम लोग सारे स्वर फिर से एक बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सारे स्वर पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर से एक बार सारे स्वर दोहराते हैं। अनार, आ से आग, आ आ आग, छोटी इसे इमली, ई ई इमली, बड़ी इसे ईख, ई ई ईख, छोटे उसे उल्लू, ऊ ऊ उल्लू, बड़े उसे ऊंट, ऊ ऊ ऊंट, री से ऋषि, छोटे एक से एडी, ए ए एडी, बड़े ऐसे ऐनक, ए ए ऐनक, छोटे उसे ओखली, ओ ओ ओखली। आपको जितने भी अ से ऐ तक हम जितने भी स्वर सीखे हैं उसके कुछ कुछ शब्द आज हम फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि शब्द भी आपका पक्का हो जाएगा कौन से स्वर से कौन सा शब्द बनता है। तो चलो फिर से हम एक बार सारे स्वर के सारे शब्द फिर से दोहराते हैं। चलो, ये चित्र है। ये चित्र में अ से ई तक, अ से बड़ी ई तक का शब्द है और वो भी चित्र के साथ है, तो आपको तो जल्दी सीख जाओगे, आपको जल्दी याद रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये है अखबार। अ से अखबार, अ से अजगर, अ से अदरक, है ना? अ से कितने सारे शब्द बने। ठीक है, तो अ से अखबार, पापा क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अ अ अ के बाद क्या आता है? आ। अ के बाद क्या आता है? आ। आ से आम, आ से आम। और कोई है यहाँ पे? देखो, आ से कोई दूसरा शब्द बना हुआ है? यस, बना हुआ है। कौन सा? आ से आटा, आ से आटा। मम्मी आटा की रोटी बनाती है ना, आप रोटी सब्जी खाते हो, तो आ से आटा, आ से आम, आ से आग, है ना? आसे के कितने सारे शब्द बने। चलो आगे बढ़े, अ आ, इसके बाद क्या आता है? ई। कौन सी ई? छोटी। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ कोई है भाई, आपको पता चलता है क्या है? इमली। ई से इमली, ई से इराम, है ना? और ई के बाद बड़ी। अब हम अभी तक हम अ से बड़ी ई तक के सारे शब्द देख चुके हैं, अब हम आगे जा रहे हैं। ई की बड़ी ई के बाद क्या आता है? ओ, छोटा ओ। तो यहाँ पे भी देखो है, कहीं पे भी है, ये क्या लिखा जा रहा है? देखो, ओ से उल्लू, ओ से उल्लू, है ना? छोटा ओ से देखो, यहाँ पे उल्लू है। ओ से उपहार, गिफ्ट, भेंट देते हैं ना हम, कभी किसी की बर्थडे होती है, जन्मदिन होता है, तो आप लोग जाते हो तो देते हो ना, तो उसे उपहार। नेक्स्ट, फिर ए, ए, ए से एक तारा, और ऐसे ऐना। तो ये हमारा हुआ अ से ऐ तक सारे स्वर और सारे शब्द। अब हम सीखने जा रहे हैं आज का हमारा जो स्वर है, नया स्वर है, वो है ओ। ओ, ये है ओ। आपको आज ये ओ सीखना है, लिखना भी सीखना है और पढ़ना भी सीखना है। तो यहाँ पे देखो,
व्हाइट बोर्ड पर दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा ओ, तो ओ लिखने से पहले हम एक बार ये ओ है, आज हम जो स्वर सीखने जा रहे हैं वो है ओ, तो ओ से ओस, यहाँ पे देखो ओ लिखा हुआ है और ओस, ओस यानी ये बिंदु, पानी का जो बिंदु है पौधे पर पत्ते पर उसको ओस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओस, तो ये है ओस पानी का बिंदु। फिर यहाँ पे आप देखो ये भी सर्कल किया हुआ है, तो ये क्या है ओढ़नी, क्या है ओढ़नी, ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी। उसके बाद है ओखली, ओखली यानी मम्मी चटनी बनाती है ना, ओखली में मम्मी चटनी बनाती है, हाँ मिर्ची की लहसुन की सब कूटती है ना, तो उसको हम ओ से ओखली, ये क्या है ओखली, तो ये है ओ। अब हम क्या करेंगे, ओ लिखना सीखेंगे, ओ से हमने शब्द देखे ओस ओढ़नी ओखली, तो अब ये सारे शब्द हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर और मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, देखो आपको ओ लिखना सीखना है, कौन सा स्वर ओ, तो यहाँ पे देखो वो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप है फोर्थ स्टेप, तो चलो हम लोग फिर से एक बार शब्द ओ के शब्द और ओ स्वर कैसे लिखते हैं हम लोग फिर एक बार कोशिश करते हैं। ये तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि वो कैसे लिखते हैं, ओ के शब्द बताए, तो अब हम बोर्ड पर लिखते हैं, चलो चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक। देखो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में, तो आप मैं सिखा दूंगी, हमारा आज का स्वर है ओ, आज का हमारा स्वर है ओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसे हाफ करना है, ठीक है, उसके बाद एक ऐसे हाफ करके ऐसे करना है, ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे करके एक लाइन से एक लाइन ऐसे करनी है, ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे एक लाइन ऐसे ऐसे और ऐसे, बन गया ओ हमारा, बन गया ना, देखो सिखाया ना मैंने, पहले आपको हाफ सर्कल करना है, फिर दो हाफ सर्कल को ज्वाइन करना है, स्लीपिंग लाइन करना है यहाँ पे और वर्निश करनी है। आपको पता है ये जो हम स्वर ओ सीखे हैं उसमें अ भी आ गया, आ भी आ गया और ओ, एक ही से तीन तीन स्वर हम सीखे, कैसे सीखे, तो देखो क्या ये क्या हुआ, अब हो गया हमारा, हो गया ना, ये क्या हो गया, अब हो गया, अब इसके साथ यहां पे देखो ये हमारा अब हो गया, ठीक है, अब इसके साथ हमने और तो थे और के साथ में हमने एक डंडी और खींची तो हमारा आ बन गया, और उसके बाद हमने आ के साथ एक मात्रा जोड़ दी तो बन गया, बन गया ना वो, तो कितना इजी है वो लिखने का, ठीक है। चलो और कुछ शब्द है हमारे टेक्स्टबुक में, उसको मैं यहाँ पे शब्द लिखूंगी और आपको उसके ऊपर गोला करना है यानी सर्कल करना है, कौन से शब्द पर सर्कल करना है, जहां पे ओ स्वर है, जहां पे ओ स्वर है उसके ऊपर ही हमें सर्कल करना है, क्योंकि हमें पता चले कि ये ओ स्वर है, ठीक है। यहाँ शब्द है
बनाए हुए हैं हमने हमारी टेक्स्ट बुक में, वही शब्द अभी मैंने लिए हुए क्योंकि आप जल्दी सीख पाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गोला करना है, क्या करना है, गोला लगाओ, गोला लगाओ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गोला लगाएंगे, कौन से स्वर पर, ओ स्वर के ऊपर। चलो तो यहाँ पे देखो ये है ओला, ओ ला, तो ऊपर शब्द लगाया मैंने, दूसरा शब्द है ओज, तो उसके ऊपर भी मैंने गोला लगाया क्योंकि ये ओ स्वर है। उसके बाद ओढ़नी, तो ओढ़नी में भी ओ, यहाँ पे भी मैंने ओ पर लगाया, जो ओ स्वर है उसके ऊपर ही हमें सर्कल करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी है ओणम, क्या है, ओणम, तो ओणम के ऊपर भी मैंने सर्कल लगाया, ठीक है। अब इमारत, इमारत पर गोला लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वो अलग स्वर है, ई स्वर है, ई के ऊपर गोला हमें नहीं लगाना है, क्यों, हम ओ स्वर सीख रहे हैं, तो हमें ओ जो स्वर थे उसी के ऊपर ही गोला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो ओ ला ओज ओडनी ओणम, और इमारत में नहीं लगेगा। तो ये जो मैंने गोला लगाओ सिखाया आपको, वो शब्द था ओ स्वर का, ये है खाली ओ स्वर का, ठीक है। तो आज हम क्या सीखे, ओ के स्वर। अब हम कुछ और शब्द सीखते हैं, ओ का, ओ जो स्वर है उसका हम कुछ और शब्द नए सीखते हैं। और दूसरा कि जब हम ओ स्वर बोलते हैं ना, अब भी करना, ओ स्वर बोलते हैं ना, तो हमारा ओ कैसे होता है, ओ यानी इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश इंग्लिश में जो ओ होता है ना, हमारा ओ ऐसा हो जाता है, ओ ओ, आप भी करना, देखो ओ होट हो गए हमारे, तो हम जब उच्चारण करते हैं तो ओ धीमे से स्वर होता है और हमारा बोल गोल हो जाता है, इंग्लिश में वो लिखते हैं ना इसी तरह ओ। तो ठीक है, चलो आओ हम दूसरे नए शब्द सीखते हैं। हम नए शब्द सीखे, सीखा ना आपने, अब आपको क्या करना है, एक बार घर पे प्रैक्टिस करना है और ओ के जितने भी शब्द हैं उसको याद करना है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे नए स्वर के साथ, नया स्वर सीखेंगे।